तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल की अगली टॉपिक। पिवट टेबल की प्रीवियस टॉपिक में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से पिवट के हम कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से हम पिवट के अंदर एनालिसिस ग्रुपिंग वगैरह करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, चलिए इस बारे में एक बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे ऑफिस में हमारे पास काफी बड़े बड़े डेटा होते हैं, उन डेटा को हम एक्सटर्नल पिवट के जरिए लिंक करते हैं ताकि हमारा डेटा इजिली हैंडल हो। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक डेटा है, देखिए। अब जैसे कि मैं इस पे अगर पिवट लगा लूं यहां से, तो पिवट में लगाने के बाद अगर मैं इसमें कोई किसी तरह का डेटा डालता हूं तो ये अभी तो दिख रहा है, लेकिन याद होगा मैंने बताया था आपको कि पिवट में जब भी कोई नई डेटा इंसर्ट करते हैं, नीचे कोई नई डेटा को इंसर्ट करते हैं तो मुझे पिवट को हमेशा अपडेट करना पड़ता है, राइट? यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल का मेथड। एक नई शीट पे जाएंगे, उसमें इंसर्ट पिवट टेबल करेंगे। यहां पे आपको यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स आएगा, इसमें चूज कनेक्शंस आएंगे, ब्राउज फॉर मोर, और यहां पे हम अपना पिवट, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि ये जो डेटा क्लास फाइल जहां सेव है उस लोकेशन में जाके उसी फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद इसमें कई सारे शीट्स हैं, तो आपको किस डेटा से शीट लगाना है, डेटा लगाना है, क्योंकि एक बार में आप एक ही डेटा शीट से पिवट लगा सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना होगा। एंड ओके कीजिए। जैसे हमने ओके किया, आपके सामने एक्सटर्नल पिवट टेबल का आ गया, यहाँ देखिए सारे डिटेल्स। अब इस पिवट में खासियत ये है कि अगर मैं कोई डेटा ऐड करता हूं तो ये अपने आप आपके सामने आ जाएगा बिना रेंज को चेंज किए हुए। जैसे कि मान एक डिपार्टमेंट में डाल देता हूं यहां पे डी, और इसमें रवि के नाम डाल देता हूं, और उसके बाद मैं जैसे ही अपने पिवट को रिफ्रेश करूंगा, देखिए आ गया, हमें रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, एक चीज इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूज करते समय कोई इस तरह का डेटा नहीं होना चाहिए। इस तरह का डेटा था जिसके कारण यहाँ पे आप अपने पिवट में आप देखेंगे कि यहाँ पे F11 और F12 आ गया। तो पिवट लगाते एक्सटर्नल पिवट का मेथड लगाते समय इस चीज का ध्यान जरूर रखें। इससे एक बात और सीखने को मिलती है पहले कि अगर आपके डेटा में कोई हेडिंग ब्लैंक है तो नॉर्मल पिवट नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हाँ जी सर। नॉर्मल पिवट एक्सेप्ट नहीं करता।
लेकिन आपका एक्सटर्नल पिवट टेबल अगर हेडिंग ब्लैंक है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये तो विद इन फाइल की बात, अब मैं बात कर रहा हूं विदाउट फाइल की, मतलब कि हम हमारे ऑफिस में एक ऐसा फाइल होता है जिसको हम लोग डंप फाइल कहते हैं। उस डंप फाइल में हमारे पास बड़े बड़े ऐसे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, फाइल होते हैं जिसको ओपन करने में मतलब ओपन होते ही वो मतलब कि 2 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट का टाइम लेता है और कैलकुलेटिंग परसेंटेज शुरू करता है। तो उस केस में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल का, सॉरी एक्सेल में पिवट टेबल का, और आप पिवट कहीं और लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमें जो डेटा वाली फाइल है उसको खोलने की जरूरत ना पड़े और हम पिवट में कुछ भी रिफ्रेश है कुछ ऐसे अपडेट करें चेंज वेंज करें तो जो कैलकुलेटिंग परसेंटेज करके जो टाइमिंग काफी सारा कंज्यूम करता है वो टाइमिंग कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पिवट पे जाएंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहां जो लोकेशंस है उस लोकेशंस को सेलेक्ट करें एंड ओपन करें, और यहाँ पे अपने फाइल्स को जिस फाइल में आपका डेटा है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें, आपका पिवट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो पर्पज यह था दूसरा कि अगर आपका डेटा किसी और शीट पे पड़ा हुआ है, क्या वाला जब जी आप ज्वाइन नहीं कर रहे, सॉरी सर फोन आ गया था। तो अब बात करते हैं कि अगर हम अपने डेटा को किसी और सॉफ्टवेयर जैसे कि हम एमएस एक्सेस के थ्रू कैसे इसको कनेक्ट करें, राइट? हाँ जी सर। तो उसके लिए क्या है कि आप पिवट टेबल पे जाए, सेम फीचर्स को अपनाएंगे कि यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर। यहाँ जो आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे वो लिस्ट है जिसका मतलब कि आपको देखा है कि हाँ इससे पहले आपने क्या क्या कनेक्ट कर रखा है उसका लिस्ट दिया हुआ है इन, और उसके बाद आप जो है एमएस एक्सेस को सिलेक्ट करें जो आपका एमएस एक्सेस है जहां इस लोकेशंस में सिलेक्ट करें। इसमें टेबल का लिस्ट आपको नहीं आया, टेबल का लिस्ट ना आने का रीजन ये था कि इसमें सिर्फ एक ही टेबल है इसलिए इसमें टेबल का लिस्ट नहीं आया, फिर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करते हैं आप देखिए यहाँ पे एक्सेल का डेटा सोर्स यहाँ दिख गया, राइट? यस। और यहाँ से आप डेटा अपना लगा सकते हैं। तो आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, आपका डेटा पड़ा हुआ है एसक्यूएल सर्वर में, और आप कहाँ लगा रहे हैं, तो आप लगा रहे हैं
आप जो इसका यूज कर रहे हैं वो एक्सेल में कर रहे हैं। तो एक्सेल से डेटा एसक्यूएल में इंपोर्ट करने का तरीका है एज ए पिवट। लेकिन जरूरी नहीं कि हम एज ए पिवट करें, और भी तरीके हैं हमारे पास, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब हम पिवट वगैरह सीखेंगे। तो ठीक है सर, यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि अदर एप्लीकेशन। अच्छा ये नहीं होगा ओरिकल, मैं सोचा ओरिकल इंस्टॉल है तो ओरिकल के ही बता देता आपको ना। चलिए अब बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की। तो मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर का SQL से पहले मैं SQL सर्वर ओपन कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा देर पहले इंस्टॉल किया है। हाँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो ऐसा टाइम दे रहा है इसमें। ओके तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है तो मुझे इसमें अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके यहां पे मैंने डेटाबेस पे राइट क्लिक किया और न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया। और यहां पे हम दे देते हैं डेटाबेस नेम, तो मैंने एस डेटा कर दिया। ये डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं। अब डेटाबेस जब क्रिएट हो गया है यहां पे, यहां दिख जाएगा एस डेटा। अब इस क्योंकि पता है कि हम टेबल पे डेटा रखते हैं तो इसके अंदर भी टेबल होता है। तो इसके अंदर मैं टेबल पे आया और यहां पे टेबल पे गया।
यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूं मैं, जैसे कि नेम, हैंग हो गया क्योंकि नेम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि नेम इधर रिजर्व फील्ड होता है, कोई बात नहीं ले, लेकिन ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी मोबाइल, ठीक है, हमने बना दिया और इसको हम इसको सेव करते हैं। हालांकि डेटाबेस नहीं था क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है टेबल वन के नाम से। अब इसमें कुछ डेटा भी डाल देते हैं टेबल में, इसे राइट क्लिक करते हैं और इसको हम करते हैं एडिट 200 रोज जो आ रहा है उसमें। और यहाँ पे हम अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि पूजा दिल्ली और मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, कविता, तो इस तरह से डेटा एंट्री हमने कर दिया। लेकिन हमें मेरा मेन हमारा पर्पस ये नहीं है इसमें डेटाबेस एंट्री करना, पर्पस ये है हमारा कि हम कैसे जो है इस डेटा को एक्सेल में एज ए पिवट कनेक्ट करें, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में लार्ज डेटा होता है तो हम उसको एज ए पिवट ले ताकि हम उसकी समरी क्रिएट कर सके। तो यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स इसके में इस्तेमाल करते हैं, और चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मी और न्यू, यहाँ पे न्यू सोर्स में जाना होगा, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना सर्वर नेम डालें जो भी आपका सर्वर नेम है और नेक्स्ट। यहाँ पे हमने विंडो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा जो सर्वर है लोकल होस्ट है, लेकिन आपकी कंपनी में क्लाइंट सर्वर होता है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर सर्वर नेम आपको पता नहीं है, देखिए सर्वर नेम हमारा गलत हो गया, तो आप क्या करें, यहाँ देखिए IPT/IPT ये सर्वर नेम है, तो मुझे इसी तरह से लिखना होगा IPT/IPT, ले लिया, हाँ देखा। अब इसमें आपको जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, ऐसे तो तीन चार डेटाबेस है क्योंकि मैंने डेटाबेस कौन सा एस डेटा किया था। अब इस डेटा में जितने भी टेबल होंगे वो टेबल आएगा और जिस टेबल से आपको लिंक करना है वो टेबल आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट एंड फिर फिनिश एंड ओके। अब देखिए एक्सेल में ये डेटा जो है पिवट जो है हमारा डेटा बन गया, एसक्यूएल के डेटा बन गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए ओरिकल, अब देखिए यहाँ पे ओरिकल इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे पास ओरिकल जो है वो 32 बिट है लेकिन मेरा सिस्टम 62 बिट है इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मैं ओरिकल इंस्टॉल करके फिर मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। लेकिन अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि हम कैसे ऐड करें, तो उसके लिए हम यहाँ गूगल में जाएंगे। तो राजेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सर। तो ओरिकल के साथ एसक्यूएल के साथ समझ में आया आपको? सर अभी शुरू से नहीं क्लास ले पाया ना,
थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंग क्लास के बाद डाल दूंगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल मैं देख लूंगा सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पिवट टेबल या कोई ऐसा पाथ है जहां से मुझे बार बार फाइल को डाउनलोड करके फिर उसमें पिवट लगाना पड़ता है। जैसे ये लोकेशन, इसी लोकेशन को हम ले लेते हैं, तो मुझे बार बार इसको डाउनलोड करना पड़ता है इस फाइल को और इसको करना पड़ता है। तो क्यों ना हम एक्सटर्नल पिवट टेबल में इसकी इस्तेमाल करें, कि पिवट टेबल में जाएं, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इसका पाथ डाल दीजिए। क्या होता है कि न्यू सोर्स के अंदर में आपके पास जो होता है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहाँ पे ओरेकल या एसक्यूएल और बहुत सारी चीजें होते हैं जहाँ यूज कर सकते हो आप, तो डिफाइंड होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसमें तो पता नहीं कि वो कैसे इंस्टॉल, जैसे कि टैली की नोट फाइल, जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर की नोट, इसकी फॉक्सप्रो की नोट फाइल, ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो एडवांस में जाके इतने सारे झमेले करने से अच्छा है कि आप डाल दीजिए अपने आप से लगाए। ठीक, ओरेकल के लिए यहाँ दिया हुआ है ना, इस ऐसे यहाँ उसका पाथ यहाँ पे डाल दीजिए, ओपन कीजिएगा, सिस्टम अपने आप समझ जाएगा और अपने आप उसकी एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग वो अपना बैकग्राउंड सेट कर लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। तो टाइम के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहां से हमने ओके किया, तो इंटरनेट पे पड़ी फाइल और एज ए पिवट आपने यहां पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो एक बार ओवर दे दूं कि मैंने अभी तक क्या क्या कराया। सबसे पहले हमने आपको कराया पिवट, पिवट में एक ही एक्सेल सीट में, एक ही एक्सेल फाइल में हम पिवट एक्सटर्नल मेथड से क्यों लगाए, क्योंकि हमारा डेटा इंक्रीज होते रहता है, तो एक्सटर्नल पिवट टेबल की मदद से लगाएंगे तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। कॉलम की हैवी है या हेडिंग अगर नहीं है फिर भी पिवट एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमने बताया कि अगर मेरे पास, आपके पास डेटा काफी बड़ा है, डंप फाइल है, ओपन करने में काफी टाइम कंज्यूम करता है, तो ओपन करके तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप उसको एक्सटर्नल पिवट लगा दो, ताकि आपका डेटा कहीं और पड़ा है और पिवट से आप रिपोर्ट कहीं और बना रहे हो, एक फायदा ये होता है। दूसरा फायदा कि आपकी एक्सेल फाइल हैंग नहीं होती है और स्मूथली वर्क करता है। तीसरा फायदा इसमें ये होता है कि आप जो मतलब कि फाइल यूज कर रहे हो उसमें डेटा को डिलीट नहीं करेगा, एक और फायदा होता है। उसके बाद हमने बताया कि एसक्यूएल सर्वर अगर यूज कर रहे हो अपने ऑफिस में, तो एसक्यूएल सर्वर से कैसे पिवट को कनेक्ट करोगे। एंड उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप जो है इंटरनेट से बिना डाउनलोड किए हुए पिवट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2007 का पिवट खत्म होता है। अब इसके आगे का जो जितने भी पार्ट आप पिवट पर पढ़ेंगे वो आपका लेटेस्ट वर्जन 2013-16 का पार्ट होगा। ठीक है, अभी तक जो टॉपिक मैंने बताया वो 2007, 2010, 2013, 2016 सब में अवेलेबल है। देखिए अब जो अगली क्लास में जो हमारी कुछ टॉपिक कवर होगा वो आपका 2016 और 13 का पिवट होगा, जैसे कि स्लाइसर्स, जैसे कि रिलेशनशिप, पावर पिवट, ऐसे टाइप। कल का असाइनमेंट देख